बहुत खैर नहीं जब हाँ क्या बजे सिराज जिला के सुखीपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 जत जघन्य अपराध भेल छै। एकटा अपांग के बलात्कार भेलै, बलात्कार के क्रम में ओहि अपांग पर घर में बच्चा रहि गेल छै। हुनके से बातचीत करै लए आयल छी और हुनका लग हम जा रहल छी। उपस्थित भ गेल छी सिराज जिला के सुखीपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में जत एक जघन्य अपराध भेल छै। वो अपराध एक अपांग युवती के हुनके छिमेकी द्वारा बलात्कार भेल छै और बलात्कार भेला के बाद में 5 महीना के बच्चा गर्भ में रहल छै और ये आइ सोशल मीडिया पर उजागर भेला के बाद में हमर टीम लहान से हम सब एलो और हुनका से बातचीत करब ई घटना के बारे में। नगर पालिका वार्ड नंबर 3 के एक मंडल थर की युक्ति छै और ई घटना अहाँ के कते दिन पहले अनंग भेल बोलबम दिन ई कत ई घटना अहाँ के कैल गेल चोरी में जबरदस्ती करलक है तो यहाँ घर में कह लिया है कते दिन के बाद में आके घर के आदमी के था बेले तो मारे छे नहीं तो मैं कोई मता गल छी कहले तो मुगे कहल के नहीं तो कहल के नहीं। और ई घटना में एहन अवस्था छे कि जया बलात्कार केल गेले चोरी में उनकर कहब छे तो ओई वक्त में उ घर में जानकारी नहीं करल के ये अपांग होय तो कुछ मानसिक संतुलन सो कुछ उनकर बिगड़ल छे और घर में नहीं कहल के 5 महीना पुगले ते बाद में पेट के साइज जे बच्चा के स्थान से उस साइज बढ़त गेले ते गांव घर में बात महिला और चले ते लेकि और घर में बात की कह की कथिला ते मोटा गेले कह के तेहन बात और एले ते बाद अहाँ जानकारी करेले और ई अहाँ के करलक एहन जघन्य अपराध चंदन कौन जाय छै यादव चंदन यादव और वहाँ के कहल के तो बलात्कार केला के बाद में आके धमकी और दल के कथियो ने वो भाई गेले तखन भाई गए नहीं तैया आके बलात्कार केल के तैया वो अकेले छले के और कोई छले और कोई नहीं छले एक तैया छले आहा कथला गेल छले चोरी बकरी में गेल छले और हुनका सब बहुत भी बात करब और बहुत ही बात नहीं करब क्या कि वो निक जगह बोलो नहीं सके छे। एक अहाँ देख सके छे शारीरिक अपांग से जे कलब फुट छे ग्रसित छे और स्पष्ट जगह बोलियो ला अब ठहरो भ रहल छे। जे आदमी के बलात्कार भेला के बाद में चोरी में बकरी चराबे गेल छले और बलात्कार भेला के बाद में अपन घर तलिक में नहीं बतेलके तो बुझियो कि केहन मन छले। गाँव में छलफल भेले और पीड़ित के कुछ द लके ई मिला ली तेहन घटना भेले मुदा समाज में एहन जघन्य अपराध नहीं मिलबाक चाहिए और दोषी के कार्रवाई होबक चाहिए और वो पेट में रहल बच्चा के एक ओकर बाप मिलबाक चाहिए जे एक अपांग आदमी के एहन किस्म के जघन्य अपराध कर दिलक ओकरा सख्त से सख्त कानून कार्रवाई होबक चाहिए। एहन किस्म से और गांव समाज में नहीं हो के और हम आई बहुते सामाजिक संजाल में बहुत वायरल भेले और हमरा के जानकारी आई विशेष करके यह पर भेले कि हमरा के बहुते पढ़ते मातर हमरा के बहुते दुख लागल कि हमरो समाज में एहन घटना भेल छे आ ई घटना अखन तलिक छुपल छले किया आ छुपल छले त के छुपला जे सब छुपल के दोषी की छे। और एक बात से जानकारी आयल कि घटना के बच्चा पेट में अखन 5 महीना के छे और प्रहरी सेहो बहुते दबाव के बाद में पतैर पर दर्द हुनकर निवेदन दर्ता भेले आ दर्ता भेला के बादो पर कुछ कार्रवाई अखन तलिक नहीं भेले ते पर चिंता में अछि एतय का परिवार और इ परिवार के दबाव सेहो आबि रहल है कि बच्चा के एकटा खसा देल जाय तीन किस्म के बात आबि रहल है और इस समाज में जब एने किस्म के बात एकटा अल्पसंख्यक गांव के एकटा अल्पसंख्यक छथि
ओहन ओहि समुदाय के बेटी पर एहन अत्याचार भ गेलै और ओहन किस्म के बात आबि रहल छै, तऽ असल समाज के निर्माण कोना भऽ सकैया। ई घटना के बारे में अहाँ की कहै लऽ चाहै छी? कहला चाहलिए पहिने बोलू, अपना सोचि बुझि लै छी जे अपना झूठ बजै कि साँच बजै यऽ। अपना जन जोर से अपना जनतब हिला हिला में कहलिए जे एना एना घटना भेलै आ साँचे कि झूठी, चल हमरा बुझि लै, तऽ नहि कोई साथ देलक, नहि बेटी नहि बहिन नहि पड़ोसिया अड़ोसिया कोई नहि देलक साथ। सुखीपुर गेलिए, सुखीपुर में डॉक्टर कहलकै जे एतेक दिन के बात हो, एतेक हल्ला उठि गेल हो, हमसब कनिक भनकी बुझलिए हम नहि ओहिमे पढ़ू। घरबैया के कही, हमर बेटी जेठी कहलकै माय गे जे घरबैया के कही राति में सब सुत रहत तऽ राति में जाके ओकरा कही। कहलिए ओकरा पुलवा के गार्जियन के आनि कऽ, ओकरा बाप के ओहि छला बाप के, ओकर माता आयल दाय निमन के हल्ला उठबल, सुखलो लोक उठा कऽ बिठा देलकै, जम्मा हल्ला उठि गेलै। ई ओकरा लग कनी बजे जे हमरा एना कऽ देलिए हमरा अपन बेटी के, तोरा सब झाँपि के कनी रखै छै आ हल्ला उठै छै, भाग हमरा ओहि सब। तो सब चलि गेलै। बिहान भने एकटा आदमी के दिल के पड़ोसिया अड़ोसिया जादवे के जे जो ओकरा खसवाया, ओ कहलक चल काकी रे जे तुहूँ आ दैय। हम कहलिए नहि जाय, आब एतेक भरि गाम भऽ गेल हे, हमरा तू लऽ जाइ छी, घरबैया जेबे नहि करही तऽ हम कथी करू, बस घर जाकऽ हम नहि जेबै, तू भागि जेबै, हमरा फँसा देबै, हम एतेक नहि बात बुझै छी। आ बुझे गेलै तऽ हमरा चारिगो गाम नहि भल भल आदमी के बुझऽ दे। बिहान भने सँ हम बुझलियै, सब कहलक जे नहि एहिमे हमसब निर्णय नहि करब, हमसब एक बेर कोशिश गुआ के मिल कऽ करै छी घरबैया के, घरबैया मिल जाय तऽ ठीके है, नहि मिलत तऽ अहाँ बोल दै छी। घरबैया के कहलकै, घरबैया कहलकै नहि हम जरमाना तिरबी, ओकर हम सागिर दिबे, हमर बेटा नहि घटना के नहि दोसर दोसर से घटना कोनो नहि है, हम ओकर जरमाना तिरबी आ नहि मिलबै। तब हम जा कऽ थाना मे निवेदन देलियै, तऽ महीना दिन एक एतेक पुलिस मे निवेदन देलियै, तऽ ओसब कोनो सुनवाई नहि। कोन थाना मे देलै? पताइर पर। पताइर पर देलियै? पचारि पर देलियै तऽ तीन दिन चारि दिन देलियै, गेलियै तऽ ओ जे आदमी छलै दरपामे से आदमी चलि गेलै, ओकरा मन खराब भेलै, चलि गेलै, दोसर के नहि अवस्था करै छलै। जाइ अभी काल्हि हम चारि पाँच दिन दूरलियै तऽ बड़े कनी, तऽ हमर छोटका बेटा फोन केलकै, चिल्ला कनी छी, हम कहलियै नाना के बात नहि कोइके अवस्था करैए गुआ, तब या लीजमे दए लेलकै। आओर ई अखन जे दबाव सुनली कि अखन फेन से दबाव ई आबैए कहिके कि प्रहरियो और कुछ कुछ प्रहरियो और कहलक कि बच्चा के खसा देल जाय। हाँ, प्रहरी सुन गेलै जिला के पटाइरो पर के सुखियोपुर के, कहलकै जे एकरा बच्चा के रखबी। हम कहलियै बाबा हमरा बेटा पुतू नहि रह दैये, भिने हँ तऽ हम तऽ नहि राख सकबै, जकर बच्चा है तकरा दुआरि लगबियो, तऽ नहि आब तकरा दुआरिमे नहि ढंग नहि रह सकतै, से बच्चा साफ करेबै तऽ हमरा सबके अधिकार दे, निवेदन लिखा कऽ तऽ हमसब अधिकार सँ साफ करबा देब, से कहू। आब देखियौ तऽ जे प्रहरी नहि दऽ सकैया, जे प्रहरी दोषी के कार्रवाई करक पड़तियै, जे प्रहरी के उजूरी पड़ला, महीनो बीत गेलै मुदा ओ प्रहरी आय एतऽ घरबैया के कहलाबे कि बच्चा के खसाबे के लेल हमरा और के सोचि सकै छियौ। केहन प्रहरी? नेपाल के प्रहरी छै। गृहमंत्री लवि लामेछाने जी से इहो आग्रह हम करे ला चाहे छी कि अहाँ के प्रहरी षड्यंत्र केहन छै देखल जाउ। और ई प्रहरी जब कहल के ई बात तऽ अहाँ की कहले प्रहरी के? हम कहलिए नहि, ई बात हम अपना में अखनी सोचबै विचारबै तब हम कोनो बात कहब, अखनी नहि कह। अब ई अपांग छै अहाँ के बेटी, ओका पेट में बच्चा भ गेलै, ओकरा अब अहाँ न्याय देबऽ के लेल कते अगाड़ी तक बढ़बै? जतेक दिन तक भी बढ़ऽ पड़तै ततेक दिन बढ़बै, माय छी, जादे हमरा शक्ति रहतै ताले बढ़बै। ओहि बच्चा के काल्हि जन्म देला के बाद में जे दोषी हेतै ओकर तऽ कार्रवाई तऽ हेबे हेतै, और ओकर अंशधार छै ओ, आइ ओ कुछ करलै कि नहि अपनाबै, मुदा कानूनी कार्रवाई में जेतै ओ बच्चा के जन्म भेला के बाद में तऽ ओकर कानूनी कार्रवाई हेतै, ताहि पर कते कोइ गाँव समाज के कथी कहैत रहै अहाँ के? भीड़ बै गेलै खोजैए जे भी तैयो जेबू, तोरा भेदू सहायता घर भैया लो नहीं सहेता, तोरा पीठ पर रहो, पीठ पर रहते। और की कहला चाहे छी? अब महिला अधिकारवादी छै है ने, मानव अधिकारवादी छै है ने, लगायत के संबंधित पत्रकार और के अहाँ की कहला चाहे छी? कहै छी इएह जे हमरा जेना के घटना भेलै, घटना के ओकरा घर भैया से हमरा अथी कराबो, चोर के पकड़ो, छानो कतौ है नहि है से छानि के हमरा लऽ जाओ, आ घर भैया के दबाव दू जे गारि पाइर नहि दी, अटकी फटकी नहि बोल। अखन अहाँके गारिहो पड़ै छै? हाँ, पढ़ै है, बात फेक फेक बजै है, माले के बकरिये के कुत्ते के बात फेंक, धिए पुते के बात फेंक बजे। अहाँ के
नहीं हम बाजे सकै छी अपने हमरा सुगर छी हमरा कोई नहि हाल डर लगै यै अहाँके हमरा डर नहि लगै विचार लगै अब एक दुआर पर छी असगर छी बूढ़ पुरान छी कह हमार पीटस कोनो हार पर जा टूट जात बेटा अब नेहा पुतु नेहा के हमर सागिर जी ते ल कह हम कनी डर मानै छी न त नहि हम मानै छी कुछ आक्रमण नहि भेलै कि नहि भेलै यहाँ पर हमरा आक्रस इएह है जे आक्रमण झगड़ा लड़ाई केने आ कि नहि केने घर पर आबि हाँ घर पर करी है वही अब दूरा पू बजे है तो हम रहे छी सुनित रहे छी उठ कर चल अयली अपना अंगना नहीं बजली जवाब नहीं देली गाय पैर पढ़ैत रहे हाँ फकरा पढ़ैत रहे छी एहनी तऽ ओहनी चारि बजे में बैठे यऽ घूर घूर आलो तऽ फकरा पढ़ै यऽ हम गेली तऽ वही फर पढ़ल तऽ यह पाहुँ के अपनो लऽ कऽ घर ढुकि गेली नहीं जवाब देली बजे इएह से आ फर फार बात हाँ देखू तऽ केहन उनटे घटना भेले उनटे गायर पर रहे छे और मार पीट करेला सो आवे छे किया कि ई जे बहुसंख्यक जात छे त ओय जात के आदमी ओकर बाबू के नाम की छे लड़का जे लड़का बाप के नाम है जे अथी कुशिया यादव कुशीलाल यादव कुशीलाल यादव जी चोह पर छे और बहुसंख्यक जात के वो आदमी छे और वो आदमी के उ जात के घमंड छे ओ जात के घमंड छे कि हम तो अल्पसंख्यक छी तो आ कथियो करबो तो हेते और आई स्टेटस में देख लिए हम कि बारंबार उनका पर धमकी तराश और शो आब रहल छे और ई धमकी तराश के बावजूद देख रहा और के रात के जी रहल छे बच्चा और छे बेटा और छे जे विदेश में छे और विदेश के में से अपन बहन के लेल गुहार सामाजिक संजाल में केने छे और देखने हैं और कहीं चले चल दस घर बस्ती में हम धानू के घटना भ गई अपन के केना के निर्णय हेते नहीं हेते चाहल के सब झोटा झोट बिल को कहता मार असगर हम चेत ले लिए जे हम आप बात करबे त हम मार खा ले एमे दिया दो और कुछ नहीं करे कुछ नहीं कोई नहीं परोसिया रोसिया कोई नहीं अंगनो घर यनाय जनाय बैठनाय उठनाय बजनाय भुकनाय सब चुपट कर लेलकै ककरो बजेबो करै छी त कोई नहीं बजे दर दुकान पर जाय छी रिचारो मांगत नहीं दी अति बर के हमरा घटना अखनी पीर गेल उनटा ले एहन जगन्ने अपराध के आग लगल के या सब आग के दोसर मुझबे ही हमरा घर के आग के आरो धर जे आग लगल के जे एहन घटना घटल के से गांव में छे कि नहीं छे नहीं है गांव में सब भाई गेले दिया हमर दरे दिया भगा दल के खिड़की तोड़ के थाना एली त खिड़की तोड़ दल के भगा दल के सब सहारा क दल के हमरा पर कोई सहारा नहीं हम अतबी कहि छी जेहने हमरा अपन के सरल के एहने कोई आदमी के सजा भेट चाहिए ओकरो सर चाहिए जिंदगी भर के ओकरो तेन कर चाहिए बा हमरा नहीं ढोबा के लोभ है नहीं बच्चा के लोभ है हमरा जेहने अपान के सरल के तेहने सरब के अपान के लोभ है ओहिसँ हमरा फाजिल नहीं है बेटा पुतु से पुतु दू दू टा घर सँ चलि गेली तामस सँ बेटा देश विदेश सँ कोई अवस्था नहीं करैए ई घटना भेला के बाद में पुतु चलि गेल चलि गेल पुतुहो चलि गेलै ओहो पुतु गेलै ओहो पुतु गेलै सब चलि गेलै बुढ़िया के आब असगरे छोड़ि देलकै अपन बेटा कै टा छै दू टा बेटा है आ चारि पाँच गो बेटी दुनू विदेशे में छै पाँच टा बेटी छै हाँ पाँच गो एक टा बेटी अपांग छै पाँच गो में चारि गो बढ़िया है ई अपांग है सबसे जेठ इएह भेल दू बेटी सँ छोट भेली ओहो छोट बेटा लग कनलियै तऽ ओ छोट बेटा के दया लगलै जे हमर माय बहिन जे हमर जेठो भाई नहीं हुई तो हम हुई छी सहर समाज नहीं भेलै तो समाज दुआरि पर चढ़ि चढ़ि के चंदन के पपाई अबैया तो हमरा धाक धमकी देखबै ओकर दाई अटकी फटकी बाजि कऽ उल्हन पर चढ़ दैए एना करल हमरा के चंदन यादव जी के घर पर आयल छी देख रहल छी चंदन यादव के घर और ई अखन देख रहल छी एतय जे आदमी और ठहरा छै पीड़ित के घर छै और चंदन यादव के घर पर हमरा और के उनका से सच्चाई में की बात छै जे आरोप लगेने छै वो आरोप सच्चाई में छै कि नहीं छै ते के लागि आयल छलो मुदा हुनकर मम्मी छलथि और पूछली तऽ घर में चल गेलथि और इस सच्चाई के बात प्रतिक्रिया लेबे आयल छलो और प्रतिक्रिया नहीं पावलो और गाँव में समाज से हम कुछ कुछ बातचीत करब बाद में नाम कथी हम कोने हाल कहो तब ना अजय घटना भेले ते के बारे में की जानकारी है के जानकारी तो सब के जते जानकारी तो सब के है सब के छे ये छलफलो भेले छलफल में की भेल छले छलफल में आ गेल आने छले पंचायती और गांव में बैठल छले हां छले बेटा नाम की भेल है राम जी
एकरा न्याय मिलक चाहिए कि नहीं मिलक चाहिए? एकदम मिलक चाहिए। हाँ ते नहीं हम आज घटना के हम रिपोर्टिंग करे एक पीड़ित पक्ष जे सुखीपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 3 में आयल छो और वह घटना के विशेष कह आई वार्ड के वार्ड अध्यक्ष हरे यादव जी ले आयल कि ये अहाँ के वार्ड में अखन जे वायरल भेल से देश विदेश में बलात्कार के घटना वायरल भेल से ते में अहाँ के कह की है? सबसे पहले नमस्कार जी, ये घटना किस दिन पहले हम सब जानकारी हो जानकारी कब तो पक्ष तरफ से जानकारी नहीं ये दोसरे सबके माध्यम से सुने मेरे जे नया घटना मिले तक बाद में आके सुने जे मुद्दो दर्ता है एक सदस्य जी अनिल सिंह है वहाँ के चुनाव साइन करके बात है तो अब यथार्थ में की से नहीं कह सक लेकिन बसिया वो लड़की जे से अपांग है कहीं दिमागो अधिक नहीं है और सांचे को प्रेग्नेंट चाहे वो जकर प्रेग्नेंट हम ही नहीं कह सकते जे ओकरे है लेकिन सांचे को प्रेग्नेंट वो कल के दिन में अनुसंधान के विषय से कल के दिन में मेडिकल रिपोर्ट देते थे के बाद वो डीएनए टेस्ट किया रहते थे के बाद पता लगे मुदा आते घटना के 5 महीना बीत गए 5 महीना में ये पीड़ित के न्याय नहीं मिले यहाँ के वार्ड में अहाँ के प्रशासन सब सेहो न्याय देबऽ के लिए नहीं चाहे थे ओकर बुजुर्ग पहले डरता नहीं होइ छलै बाद में डरता भेलै अखन तक दोषी पकड़ाओ नहीं पड़लै ओहि पर अहाँ के वाड़ा के पहल की रहल जी? ये कोई अपने के कहलक जे ओकर बुजुर्ग प्रशासन नहीं लेते कभी गलत बात कहल एहि दुआरे कहल हमरा जहाँ तक जानकारी है जे ओ महिला जै दिन निवेदन देने ओकर बुजुर्ग डरता वही दिन पड़े छै ओहि के वही दिन अहाँ के प्रशासन लस हमरो फोन एलै जे एकटा अहाँ के सदस्य सबके पठबऽ पड़तै कहि कऽ जे नया नया भेल तऽ ओहिके लगत के साँझे में शायद हमर सदस्य अनिल सिंह गेल रहे ताहि दुआरे प्रशासन चासो नहि लेने सेहो कैला नहीं मिलते प्रशासन हमरा हिसाब से चासो लेलकै दर्दो भेलै रहिला 5 महीना वाला बात जे अपने कहि तऽ हमरा सबके जानकारी हो पड़लै ने आब जे जे घर में घटना भेलै खुद ओहि गार्जियन के 5 महीना तक नहीं पता रहे तो हमरा सबके जानकारी वाला बात तो नहीं अभी ताहि दुआरे हमरा सबके जहाँ तक तखन के जानकारी भेलै प्रक्रिया में गेलै जे जनप्रतिनिधि के जे काम है ओहिमे कनियो त्रुटि नहीं भेलै भेलै अब तकर बाद पक्ष सब हमरा लग फलना नहीं कह रहा कहकर एतै तब ने हमसब बुझबै जे प्रशासन में जाकर हमसब दबाव देबै कुछ करबै एतै तक सुनने रहिए कि प्रशासन आबि कऽ घरों घेरने रहै लड़का ध्यान करके कहने भाग ले एतै तक हमरा सबके जानकारी अखन तक अखन की भ रहल छै अहाँके पहल अखन आप की भ रहल छै प्रोसेस में प्रक्रिया में जे ठन से प्रशासन नहीं करते व्यक्ति सब हमरा खोजते जे एकटा जनप्रतिनिधि के होय छे वो हम सब सहयोग करबे लेकिन अखन तक हमरा सब नहीं आले ई विषय। हां धन्यवाद अध्यक्ष नमस्कार। और वास्तव में ई वार्ड में जे घटना भेल छे उ जघन्य अपराध छे ई कतो नहीं होबाक चाहिए और ई घटना अहिना के समाज में 5-5 महीना के बाद में जानकारी होय आ 5-5 महीना के बाद में सार्वजनिक होय तो पीड़ित और ओनाहिते अन्याय में रहे छे विशेष करके बलात्कार भेला के चोरी में बलात्कार भेले उ बलात्कार भेला के बाद में अते नहीं बुझे छे मानसिक हिसाब से कुछ कनी अपना के गांव घर में के छे तो कनी कम बुझे छे और अपांग से होछे ओकरा पेट में बच्चा रहला के बाद में ओकरा जानकारी पाले और ते बाद में उजुरी तुजुरी भेले उजुरी भेला के बाद में ओका पर कार्रवाई के प्रोसेस देला और ये घटना के संबंधित निकाय के अतभी हम कहला चाहे छे कि ये घटना के तथ्य बाहर आवे दोषी के कार्रवाई होए और ये पीड़ित के न्याय मिले वो बच्चा के बाव मिले और वो जे बलात्कार के नहीं छे और जे ओकरा पर एहन अन्याय केने छै ओकरा पर नेपाल के कानून अनुसार कार्रवाई होबक चाही। अतबी कहैत आजुक हम ग्राउंड रिपोर्टिंग से हम रैंटर मंडल अंत करै छी। धन्यवाद नमस्कार।